तो गाइस मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं बनाना। तो आज हम बनाते हैं चिकन करी। हमने ले लिया चिकन, इसको हम मैरिनेट करेंगे। इस उसके बाद हमने लिया हल्दी पाउडर और दीगी मिर्च, थोड़े इसमें हम डालेंगे बटर मैरिनेशन में। तो उसके बाद हम इसमें थोड़ा बटर डालेंगे, उसको अच्छी तरह मैरिनेशन करेंगे। और चलो इसको बनाने स्टार्ट करते हैं। हमने ले लिया तेल, तो तेल हमारा गरम हो गया है। उसके बाद हम लेंगे इसमें दालचीनी और बड़ी इलायची और तेज़पत्ता, और उसके बाद हम इसकी भुनाई करेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह थोड़े भुनाई करेंगे। तो भुनाई करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिल्ली। तो हम इसमें ग्रीन चिल्ली ऐड करेंगे। ग्रीन चिल्ली ऐड करने के बाद जो हमने मैरिनेट किया हुआ चिकन इसमें हम डाल देंगे। तो हमने इसमें डाल दिया है और इसको भी अच्छी तरह भुनाएंगे। तो उसके बाद हम चिकन को भी अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमने फाइन चॉप कटा हुआ ऑनियन। तो हम इसमें उसके बाद ऐड कर देंगे ऑनियन, जिसकी वजह से ऑनियन डालने के बाद हम ले लेंगे ब्लेंडर जार या मिक्सी जार। उसमें डालेंगे टमाटर और उसमें हम ऐड कर देंगे दही। तो आप भी एक बार ज़रूर ये मेरी रेसिपी ट्राई करें। तो उसके बाद हम इसमें कर देंगे ब्लेंडर। तो हमने इसको जब उसको हमने पीस दिया है। उसके बाद हमारे यहाँ पर प्याज भुन गया, उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने टमाटर दही पिसा हुआ है। उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे। तो हम इसमें उसके बाद कुछ मसाले ऐड करेंगे, जो हमारे बेस मसाले होते हैं। देगी मिर्च हो गया, कसूरी मेथी होगी, धनिया पाउडर हो गया, जीरा पाउडर हो गया, नमक हो गया। तो हमने उसके बाद हमने गरम मसाला डाला थोड़ा सा, और उसको अच्छी तरह चलाने के बाद हम जब मसाले उसको हमें भुने, उसके बाद उसमें ऐड करेंगे पानी। तो हमने पानी ऐड कर दिया है। तो उसके बाद हमें इसमें लगा देंगे ढक्कन। ढक्कन लगाने के बाद हमारा अच्छी तरह पक रहा है, भी पकानी है। तो देखिए हमारे यहाँ पर जो चिकन करी है, तो इसने ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गया है। तो आप जरूर हमारे रेसिपी एक बार ट्राई करें। उसके बाद हम इसमें धनिया के पत्ते डालेंगे। तो चलो उसके बाद हम इसको करते हैं प्लेटिंग। तो हम एक लेंगे, उसके बाद बॉल, हमने बॉल डाल दिया है, बॉल में डाल दिया है। तो गाइस आप भी इसी तरह मेरे वीडियो देख के, आप भी इस तरह के चिकन आपको अच्छे अच्छे रेसिपी लेके आऊँगा। वीडियो में जो भी गलती हो गई माफ़ करना, क्षमा करना, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस।